नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अरोड़ा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार आज एक 2 BHK का फ्लैट लेकर आ गया हूँ आपके लिए 65 गज के अंदर विद लिफ्ट विद कार पार्किंग बहुत ही सस्ते दामों के अंदर। तो वीडियो में फ्लैट में प्राइस जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। 1 मिनट का एक टीजर देख के आओ कि फ्लैट कैसा दिखने में है, इसके बाद करता हूँ फ्लैट की डिटेल वीडियो शुरू। आइए, तो दोस्तों ये है बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ये एंटर कर चुका हूं मैं अपने 2 BHK के लग्जरी फ्लैट में। वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले कुछ फ्लैट के बारे में डिटेल बता देता हूं। 65 गज का फ्लैट है, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, 2 टाइम दिल्ली जल बोर्ड का मीठा पानी है, 24 घंटे समर सीवर की सुविधा अवेलेबल है। जो लोगों की प्रेफरेंस मेट्रो, इतनी इंपॉर्टेंस मेट्रो नहीं रहती, उनके लिए फ्लैट काफी शानदार और काफी सस्ते रेट में होने वाला है। 25,50,000 रुपये में फ्लैट मिलेगा। जनवरी के अंदर अंदर बुक करते हैं तो 50,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मात्र 25 लाख रुपये में फ्लैट मिलेगा। 1 से 1.5 किलोमीटर मेट्रो से डिस्टेंस है, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि 500 मीटर है या 700 मीटर है या 800 मीटर है, नेट 1 से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 किलोमीटर के आसपास मेट्रो नवादा मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस है। लिफ्ट है, कार पार्किंग है, 65 गज है, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब करता हूँ फ्लैट में थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो। एल टाइप का पूरा आपका लिविंग एरिया दिया हुआ है, एल टाइप का सोफा लगा हुआ है, बीच में एक सेंटर टेबल लगी हुई है, सेमी फर्निश फुली फर्निश दोनों के ऑप्शंस है। 26.5 लाख रुपए का फुली फर्निश है, 25.5 लाख रुपए का सेमी फर्निश है। जनवरी में बुक करोगे 50,000 रुपए, दोनों पे डिस्काउंट है। शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है ऊपर, डिफरेंट डिजाइन की शैंडलियर लगने की, झूमर लगने की जगह नहीं थी तो एक फैन लगा हुआ है, 3 लाइट्स लगी हुई है उसी के अंदर। पीछे वॉल पे काफी अच्छा डिजाइन में ये वॉलपेपर नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया हुआ है। ये दीवार पे ही POP का डिजाइन बना हुआ है इसी कलर के अंदर, आपको हो सकता है कैमरे में वॉलपेपर लग रहा हो। इसी के बाद यहाँ पे एक डिजाइनर वॉल, ये एक और वॉल डिजाइन कराई हुई है, आप देख सकते हैं कुछ बटरफ्लाइज वगैरह लगी हुई है। AC की डक्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, विंडो AC का प्रोविजन नहीं है, स्प्लिट AC का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। शानदार नीचे विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स लगी हुई है, कटिंग करा के लगाई हुई है स्क्वायर शेप में, आप देख सकते हैं। एक LED पैनल यहाँ पर प्रोवाइड करूँ वुडन अप टू रूफ। शो पीसेज वगैरह देख रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं कि यार ये शो पीस सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, देने के लिए भी होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको 100% दिए जाएंगे। एक तिनका भी इस फ्लैट से बाहर नहीं निकलेगा अगर आप फुली फर्निश लेते हैं तो। और क्या सेमी फर्निश लेते हैं तो उसमें क्या ऑप्शन हट जाते हैं, सिर्फ एक सोफा हटेगा और 2 बेड हटेंगे, उसके अलावा जो भी आप वीडियो में देखोगे सब लगा हुआ है। तो ये सोफा वगैरह सारा इंक्लूड आपको मिलेगा। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट रूम है जो कि बैक साइड का रूम है। यहाँ से मैंने अभी एंट्रेंस लिया, 8 फीट का पूरा गेट लगा हुआ है। कुछ सीनरीज वगैरह यहाँ लॉबी में हमने लगाई हुई है, आप देखेंगे इस तरह की सीनरीज है। ये MCB है, अभी इस बॉक्स को मैं कवर करा दूंगा। अब मैं आपको इसके सबसे पहले बैक वाले रूम में लेकर चलता हूँ, फिर आगे किचन और लिविंग एरिया वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, ये लेकर चलता हूँ आपको अपने फर्स्ट रूम। ये है बैक साइड का, लेकिन ये मास्टर बेडरूम है। थोड़ा सा जाऊँगा, सबसे पहले वहाँ जाकर स्पेस दिखा दीजिए। बढ़िया स्पेस आपको प्रोवाइड हो रहा है, फुली फर्निश लेंगे तो एक बेड आपको डबल बेड और ये मैट्रेस वगैरह ये सब क्विल्ट वगैरह इंक्लूड मिलेगी। बैक वॉल पे कस्टमाइज वॉलपेपर मिला हुआ है, चेंज कराना चाहो चेंज भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शानदार फॉल सीलिंग हो रखी है, सीलिंग फैन, कोब लाइट, सीलिंग लाइट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड है प्रॉपर्टी में। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो आपको एक इसमें वॉशरूम प्रोवाइड हो रहा है, चाहूँगा इधर आके दिखा दीजिए एक बार। तो ये वॉशरूम आपको प्रोवाइड हो रहा है, इसमें डाइवर्टर फिटिंग्स लगी हुई हैं, सारी की सारी गर्म ठंडा पानी इसी में ही आ जाएगा। सारा सैनिटरी और जितना इलेक्ट्रिकल सब है सब ब्रांडेड लगा हुआ है, 2 साल 3 साल की पूरी गारंटी वारंटी कंपनी से आपको मिलेगी।
एक शॉवर प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच में एक हैंगिंग लाइट है, फॉल सीलिंग हुई हुई है, गीजर की फिटिंग प्रोवाइड हो रही है, एक सिंगल वाली सीट आपको यहाँ प्रोवाइड हो रही है, जो दूसरा वॉशरूम है मास्टर वॉशरूम जो लिविंग एरिया से कनेक्ट है उसमें आपको वॉल हैंगिंग सीट प्रोवाइड हो रही है, अप टू रूफ टाइल्स मिल रही है सारी की सारी। तो ये हमारा जो है फर्स्ट रूम है, चाहूंगा थोड़ा सा एक बार और जाकर स्पेस आप दिखाए इसमें। उस साइड जो है आपको बैक साइड पे आप देखेंगे कर्टेंस रोड्स वगैरह ये सब चीजें आपको लगा कर दी जा रही है, कुछ इस तरह का कर्टेंस रोड वगैरह आपको लगा कर दिया जा रहा है। एसी की फिटिंग दे रखी है क्योंकि ये बैक साइड का रूम है, इसमें विंडो एसी का प्रोविजन नहीं है, तो स्प्लिट एसी का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। मेरे से प्रॉपर्टी लें या किसी से भी प्रॉपर्टी लें, ये जरूर चेक कर लें कि जिसमें विंडो एसी की जगह ना हो स्प्लिट एसी की जगह जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में थोड़ा थोड़ी करनी पड़ेगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले ही आप चेक कर लीजिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सेकंड रूम की ओर जो कि बालकनी से कनेक्ट है। आई तो दोस्तों ये सेकंड रूम की एंट्रेंस है, लेकिन इससे पहले एक बार वॉशरूम दिखाता हूँ जो लिविंग एरिया से कनेक्ट है। आइए, तो कुछ इस तरह का वॉशरूम होने वाला है जो कि है मास्टर वॉशरूम। जो आपने मास्टर बेडरूम में वॉशरूम देखा था वो थोड़ा सा छोटा था, ये स्पेस काफ़ी इनफ है। डाइवर्टर्स लगे हुए हैं, ऊपर जो है शॉवर दिया हुआ है, बीच में एक हैंगिंग लाइट दी हुई है, बहुत ही प्यारा और बढ़िया यूनिक वॉश बेसिन दे रखा है, टैब यूनिक दे रखे है, एक मिरर दिया हुआ है, इसके साथ वॉल हैंगिंग सीट दी हुई है जैसे कि उसमें सिंगल वॉल लगी थी उसमें वॉल हैंगिंग, बीच में कुछ हाईलाइटर्स वाली टाइल लगी हुई है और बाकी प्लेन ग्रे कलर के अंदर टाइल्स अप टू रूफ लगी हुई है। गीजर साथ में दूंगा आपको, चाहे आप सेमी लो चाहे फुली लो, गीजर साथ दूंगा और चिमनी साथ दूंगा, चाहे आप फुली फर्निश लो चाहे सेमी फर्निश लो, बेड्स वगैरह डालूंगा अगर आप सेमी फर्निश लो। टॉप टू रूफ टाइल्स पूरी प्रोवाइड हो रही है, फॉल सीलिंग वगैरह हो रही है। इस तरह का जो है वॉशरूम होने वाला है। लेकर चलता हूँ सेकेंड रूम में, आओ। तो ये 8 फीट की हाइट का गेट है, एक बार गेट देख लीजिए, डिजाइनर सारे इस तरह के गेट है, तो इससे हमारी जो है बालकनी कनेक्ट है। और ये रूम का साइज बहुत अच्छा है, पूरा स्क्वायर में ये रूम है, लगभग 11 बाय 12 के आसपास का रूम का साइज होगा इसका। चाहूँगा थोड़ा सा पीछे अगर स्पेस अच्छे से दिखाए, तो शानदार वॉलपेपर लगा हुआ है, चेंज कराना चाहो तो चेंज भी करा सकते हो, हमने अपने हिसाब से सैंपल बेड डिज़ाइन किया होता है। एक बेड आपको डबल बेड प्रोवाइड हो रहा है, मैट्रेस मिल रही है, इसकी टाइल्स थोड़ी सी चेंज करी हुई है, इसमें ग्रेइश कलर के अंदर टाइल्स लगाई हुई है, लिविंग एरिया में वाइट कलर की टाइल्स है, और विंडो एसी का प्रोविजन दे रखा है यहाँ पर, स्प्लिट एसी का नहीं दिया हुआ, बढ़िया वॉल सीलिंग हुई है, बीच में आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट सर्कल डिज़ाइन में वॉल सीलिंग करी हुई है, सीलिंग लाइट्स कोब लाइट सीलिंग फैंस ये सब चीज़ें इंक्लूड है, कर्टेंस वगैरह देख सकते हैं, कर्टेंस रोड्स वगैरह भी वही सेमी लो फुली लो, ये चीज़ें आपको मैं साथ में इंक्लूड दूंगा। अब लेकर चलता हूँ इसकी बालकनी की ओर। तो दोस्तों ये खड़े हैं बालकनी में, देख सकते हो कि आप बढ़िया वेंटिलेशन वगैरह पूरी प्रॉपर आ रही है बालकनी में, अप टू रूफ टाइल्स लगी है, बाहर एसी की शीट का काम हुआ है, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल प्रोवाइड हो रही है, शीशा भी लगा कर दूंगा। अब चाहूँगा कंटिन्यूटी में मेरे साथ साथ आप आएँ ताकि आपको हर चीज़ एक बार समझ आ जाए। ये हमारा सेकेंड रूम था जो बालकनी से कनेक्ट है, ये हमारी सारी लॉबी और लॉबी की फॉल सीलिंग है, और ये हमारा वॉशरूम था। इसी के बाद ये किचन है जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई है, किचन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमारा लिविंग एरिया का पार्ट है। तो ये किचन का पार्ट है, पर्पल एंड वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सारा का सारा, बीच में एक हैंगिंग लाइट लगी हुई है, चिमनी लगा कर दूंगा सेमी लो या फुली लो, यहाँ आप आरो का प्रोविजन कर सकते हो, सारा हाइड्रोलिक लगा हुआ है, बंद करने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, सैनिटरी सारी टैप वगैरह लगी हुई है, एक सिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, डस्टबिन आप अपना यहाँ लगा सकते हो। इसी के साथ सबका प्रोविजन जो है अलग अलग इसमें आपको प्रोवाइड करके दिया जा रहा है, यहाँ पर आप अपने जो है स्पून्स वगैरह रख सकते हो, प्लेट्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर आप अपना आटे का ड्रम रख सकते हो, सिलेंडर भी रख सकते हो, काफ़ी स्पेस है इसमें, तो इस तरह का आपको सारी प्रोविजन मिल रही है। एक ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा करके दी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर आपने स्पाइसेस वगैरह इजीली रख सकते हो, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हट भी जाती है इसमें, तो आप लगा भी सकते हो अपने हिसाब से किसी भी एंगल पे और हटा भी सकते हो। तो ये आपको दोस्तों 2 BHK का फ्लैट मिलने वाला है। अब मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा 2 BHK का लग्जरी फ्लैट? फ्लैट पसंद आया हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, आपकी विजिट बुक करा देंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। अब आपसे लेता हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच।